फोर्थ सेम का मशीन वन का जो पेपर है उसका थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। टॉपिक इज आर्मेचर वाइंडिंग। आज हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग डिस्कस करेंगे। क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग, क्या इसका टाइप है, इसमें कुछ सिलेबस में टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। एक आर्मेचर वाइंडिंग जो है ये लैप वाइंडिंग इसको बोलेंगे, वेव वाइंडिंग इसको बोलेंगे, उसके अंदर टर्मिनोलॉजी चलेगा आपको। पोल पिच किसको कहेंगे, क्वाइल पिच क्या होता है, फ्रंट पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, ऑल ऑफ दीज आर द टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर्मेचर वाइंडिंग। एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज द वाइंडिंग इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एट फर्स्ट। सबसे पहले इसी वाइंडिंग में मशीन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ये जो वाइंडिंग होता है आर्मेचर वाइंडिंग, ये मशीन में कहां रहता है, तो रोटर पे रहेगा, यहां। ठीक है, दिस इज योर रोटर एंड दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, एंड दिस पार्ट इज स्टेटर, ऑब्वियसली स्टेटर पार्ट। तो आज हम लोग इस आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि आर्मेचर वाइंडिंग किसको बोलेंगे। तो ये वो वाइंडिंग है जब रोटर ट्रैक करेगा, यहाँ के जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है नॉर्थ और साउथ पोल में, तो इसको ट्रैक करता है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। हम ये बता चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर कि यहां पर ईएमएफ जो है वो कैसे इंड्यूस हो रहा है। फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल हम लोग लगाए थे, और यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वो हम लोग फाइंड आउट किए थे। देन द डेफिनेशन ऑफ दिस आर्मेचर वाइंडिंग इज वेरी सिंपल। दिस इज द वाइंडिंग इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एट फर्स्ट इन द मशीन। यही वो वाइंडिंग है जिसमें मशीन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दिस वाइंडिंग इज फील्ड वाइंडिंग, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता। दिस वाइंडिंग इज फील्ड वाइंडिंग, इसका काम ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाना इसमें नहीं है। इसमें क्या होगा, मशीन को जो भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो ये फील्ड वाइंडिंग बनाकर देता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर टाइप की बात करें, तो आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन जो है कॉइल का जो कनेक्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, उसके आधार पर दो तरह का आर्मेचर वाइंडिंग है। वन इज कॉल्ड एज लैप वाइंडिंग एंड अनदर इज कॉल्ड एज वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग किसको बोलेंगे, वेव वाइंडिंग किसको बोलेंगे, इसको समझने से पहले अगर सिंपल अगर डेफिनेशन बात करें, तो लैप वाइंडिंग में जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है ठीक अपने एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होता है। इसको डायग्राम में समझेंगे कि लैप वाइंडिंग बोलेंगे किसको, तो लैप वाइंडिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन होगा, कॉइल का जो एंड कनेक्शन होगा ठीक अपने एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा, ठीक बगल वाले कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा। अगर ये कम्यूटेटर सेगमेंट है और अगर हम लोग इसको कुछ नाम देते लाइक कम्यूटेटर सेगमेंट 1, 2, 3, तो ये यहां से शुरू हो रहा है ठीक है, इसका जो एंड होगा ठीक है वो ठीक इस पर होगा एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस वाइंडिंग, और यहीं से फिर दूसरा वाइंडिंग स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग लैप वाइंडिंग बोलेंगे।
लेकिन जो वेव वाइंडिंग होगा उस पे हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होता, कुछ अपार्ट, कुछ सेगमेंट्स छोड़कर, कुछ डिस्टेंस छोड़कर आपको कनेक्शन दिया हुआ है, दिस इज योर वेव वाइंडिंग। अब अगर डेफिनेशन हम लोग एग्जैक्टली इसको देखें तो यू कैन इजीली राइट द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल, द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू द एडजेसेंट सेगमेंट, द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल टू द एडजेसेंट टू द एडजेसेंट सेगमेंट ऑन द कम्यूटेटर, टू द एडजेसेंट सेगमेंट टू द कम्यूटेटर, ओके, सो दैट टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथवेज, सो दैट is equal to P. वहीं पर अगर हम लोग वेव वाइंडिंग का डेफिनेशन देखें, the ends of each armature coil are connected to commutator segment some distance apart, some distance apart are provided in such a way, that number of parallel paths is equal to 2. Okay. तो आप वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हम जस्ट समझाएं इसको। The ends of the each armature coil to the adjacent segment, हम जस्ट बोले कि जो आर्मेचर कॉइल का जो एंड होगा वो ठीक अपने बगल वाले कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ उसका कनेक्शन, उस ऊपर ठीक बगल वाले कम्यूटेटर सेगमेंट पर उसका कॉइल का जो एंड कनेक्शन होगा और वहीं से फिर नेक्स्ट वाला कॉइल स्टार्ट होता है। और ये काम इस तरह से होता है कि टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो हो मशीन के अंदर वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो इसमें सम डिस्टेंस अपार्ट, जैसे अगर ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, अगर ये कम्यूटेटर सेगमेंट 1, 2, 3 सो ऑन भी आप आगे हो सकता है, तो अगर ब्लैक वाइंडिंग है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पर एंड हो जाएगा, और फिर यहीं से नेक्स्ट जो है आपका स्टार्ट होगा, दैट इज लैक। लेकिन जो वेव होगा वेव पे आपको कुछ डिस्टेंस अपार्ट, लाइक मान लेते हैं 2, 3 छोड़कर और उधर आगे मान लेते हैं 4 या 5 से नेक्स्ट फिर आपका यहां से कॉइल स्टार्ट होगा 4 या 5 से, 4 या 5 पर फिर वो कॉइल का जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका एंड होगा, फिर वहां से नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो इसमें जो जानने वाली बात है कि इसके अंदर लैप वाइंडिंग के अंदर ठीक एडजेसेंट सेगमेंट पर आपका
जो आर्मेचर वाइंडिंग का एंडिंग होता है और A is equal to number of parallel path instituted by A, A is equal to P मिलता है, जबकि वेव वाइंडिंग में वो जो आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन होता है सम डिस्टेंस अपार्ट कुछ सेगमेंट्स को छोड़कर उसका एंड होगा और फिर वहां पर इस तरह से कनेक्शन किया जाता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो A is equal to 2 मिले। ये वेव वाइंडिंग के अंदर होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें डायग्राम, ठीक है, तो हम लैप वाइंडिंग के लिए डायग्राम बना देते हैं। तो हम लोग अब लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का डायग्राम देते हैं, ठीक है। तो इसके डायग्राम को, लैप या वेव वाइंडिंग के डायग्राम को बनाने से पहले आर्मेचर वाइंडिंग के कुछ बेसिक्स चीज को या किसी वाइंडिंग के कुछ बेसिक्स चीज को जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं कि किसी वाइंडिंग की बेसिक चीज क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा देखिए ओमिट कर देते हैं, फिर हम लोग लैप और वेव वाइंडिंग का डायग्राम देखेंगे। सपोज ये हम लोग डिनोट करने का एक वाइंडिंग को तरीका है, इस तरह से हम लोग वाइंडिंग रिप्रेजेंट करेंगे मशीन के अंदर। ये जो हिस्सा होता है ये कंडक्टर होता है, एंड दिस एंटायर पूरा यहां से शुरू हुआ ए से और ये बी पे एंड हो रहा है, ये ए से शुरू होकर ये बी पर, दिस इज योर वन टर्न, ये क्या कहलाएगा वन टर्न। ये कहां रहता है तो अगर इसको फिजिकल डायग्राम में देखेंगे तो ये इस जगह रहेगा, यही था आर्मेचर वाइंडिंग। तो हम जो ए और बी नाम दिए हैं तो इसको आप ए बोलिए और इसको आप बी बोलिए। इधर से आप वाइंडिंग को डाल रहे हैं, बैक एंड से आप वाइंडिंग इस तरह से निकाल रहे हैं। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने का मशीन के अंदर, ये वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो आप इस पर कैसे किए, एक कंडक्टर डाले फिर बैक एंड से आप दूसरा निकाले, तो हाउ मेनी कंडक्टर सब है। अगर इन दो होल के बीच में आप देखिएगा तो आपको दो कंडक्टर दिख रहे हैं, इधर से डाले और फिर इधर से निकाले। बात अलग है कि हम लोग उसमें पहले डिस प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंटर आपको बताया हुआ है कैसे ये क्रॉस और डॉट होगा। अगर इधर से करंट जा रहा है तो उस तरफ से बैक एंड से होता है, जैसे करंट आता दिखेगा तो जाते हुए करंट को क्रॉस और आते हुए करंट को डॉट हम लोग दिखाते हैं। तो ये तरीका है किसी वाइंडिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करने का। अगर आप एक बार इधर से डाले और एक बार निकाले देन दिस इज कॉल्ड एज वन टर्न। आप अगर दोबारा डाल के दोबारा निकाल दीजिएगा दैट दिस इज कॉल्ड एज टू टर्न। और n नंबर ऑफ टाइम्स आप a में डालिएगा और n नंबर ऑफ टाइम्स अगर b से निकाल रहे हैं दैट दिस इज कॉल्ड एज n टर्न। और एक कंप्लीट टर्न को हम लोग, जैसे एक टर्न हम लोग ले लिए, दिस वन कंप्लीट टर्न इज बेसिकली नोन एज कॉइल, ठीक है। और ऐसा नंबर ऑफ टर्न अगर हम लोग बना देते हैं तो उसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न कंबाइंड रूप से एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइल बना देते, ठीक है। तो अगर हम लोग सुविधा के लिए एक ही टर्न ले रहे हैं तो ये आपका कंडक्टर हो गया, दिस इज योर कंडक्टर, और ये भी आपका कंडक्टर है। कंडक्टर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करें और टर्न को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करें। और ये जो ऊपर का आप दो हिस्सा देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज, इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं एंड कनेक्शन। क्या बोलते हैं, एंड कनेक्शन। ये हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज एंड कनेक्शन। ये ए बी या तो दो टर्मिनल हो गए। तो अब अगर आप इसको देखें तो एक टर्न में कितने कंडक्टर दिख रहे हैं, तो दो कंडक्टर दिख रहा है। अगर एक टर्न आपको बनाना है तो आपको दो कंडक्टर देना पड़ेगा। इसका मतलब Z इज इक्वल टू टू एन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्टर Z एंड द टर्न L। देख लीजिए
एक टर्न में दो कंडक्टर हो रहे तो एल का वैल्यू वन रख दीजिए, वन टर्न हाउ मेनी कंडक्टर्स आर देयर टू. इफ आई हैव टू टर्न्स, दो टर्न है, देन पुट द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू टू, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर फोर, टू इंटू टू दैट इज फोर. तो दिस इज योर सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्टर एंड द टर्न, दैट इज जेड इज इक्वल टू टू एल. अब एक चीज हम समझा रहे हैं कि जो टर्न होगा आप कभी या तो एक टर्न लपेटोगे या दो टर्न लोगे या तीन टर्न लोगे या चार टर्न लोगे, कभी भी आप वन एंड हाफ टर्न नहीं लोगे. इट मींस दिस एन इज व्हाट इज दिस एन, दिस एन इज अ टर्न, दिस एन इज ऑलवेज अ इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर, ये हमेशा एक इंटीजर होगा. और या कोई कंप्लीट नंबर मिलेगा, वन लीजिए, टू लीजिए, थ्री लीजिए, फोर लीजिए, कभी भी आपको 1.5 टर्न पॉसिबल नहीं, 2.5 टर्न, 2.35 टर्न ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऑलवेज एक पूरा नंबर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर. तो एन इज ऑलवेज अ इंटीजर. वेयर एज इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस जेड, तो व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ एन, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ एन, दिस जेड इज ऑलवेज अ इवन इंटीजर, यह हमेशा इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर. लाइक आप एन का वैल्यू टू डाल दीजिए, टू इंटू टू फोर, फोर इज एन इवन नंबर. इफ एन का वैल्यू थ्री है, थ्री इंटू टू सिक्स, दैट इज ऑलवेज अ इवन नंबर. सेवन रख लीजिए, एन का वैल्यू सेवन ले लीजिए, सेवन इंटू टू फोर्टी, ऑलवेज अ इवन नंबर. ठीक है, तो व्हेनेवर एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड विद द इवन क्वांटिटी, देन दिस द रिजल्ट इज ऑलवेज अ इवन नंबर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि जेड इज हमें जो जेड होगा दैट इज ऑलवेज अ इवन इंटीजर. तो ये इसमें क्या क्या चीज सीखी हम लोग कि एक टर्न अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें दो कंडक्टर होगा, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टर एंड द नंबर ऑफ टर्न इज जेड इज इक्वल टू टू एन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम टर्मिनोलॉजी. कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम लोग टर्म समझ गए क्या होता है, एक टर्न में कितने कंडक्टर आएंगे ये भी हम लोग समझ गए. ठीक है, अब कुछ इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है. द फर्स्ट वन इज पोल पिच. पोल पिच किसको बोलेंगे, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर और बैट्समैन के बीच में पिच होता है जिस पर हम रन करते हैं, दौड़ता है. तो हम टू पोल मशीन का डायग्राम बनाए, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर ही बनाया, ऑलवेज हम लगभग यही टू पोल डीसी जनरेटर का ही या डीसी मशीन का ही हम डायग्राम बनाते हैं. इंजन आप फोर पोल बना सकते हो, ठीक है, दिस इज अ टू पोल डीसी जनरेटर. नाउ द टर्मिनोलॉजी इज पोल पिच. दिस पोल पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल. एडजेसेंट का मतलब ठीक बगल में. अगर यहां से आप शुरू करिए, एक पोल है, दूसरा पोल कहां है, यहां है, ऑटोगन पोल में दिख रहा है, तो इसके ठीक बगल में क्या होगा, ये चाहे इधर से आ जाइए चाहे इस डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन से, तो ठीक ये जो आपका एडजेसेंट पोल के बीच का दूरी क्या है, इस पोल से इस पोल का बीच का दूरी. अगर हम लोग फोर पोल मशीन ले लेते, सपोज दैट ऐसा, अगर हम लोग एक फोर पोल मशीन एज्यूम कर ले लाइक दिस, दिस इज योर फोर पोल मशीन, दिस इज योर फोर पोल मशीन. नाउ इफ आई एम सेइंग और हम बोल रहे हैं ये एक पोल हुआ, तो इसके ठीक एडजेसेंट पोल ये होगा दूसरा. आप चाहे तो इधर से गिन सकते हैं, वन टू थ्री फोर, देयर आर फोर पोल्स, या आप इधर चलिएगा वन टू थ्री फोर ऐसे, तो इसके ठीक एडजेसेंट, या तो इधर से इधर चलिए और या तो इधर से इधर चलिए, दोनों एडजेसेंट होगा. तो यहां से यहां के बीच का दूरी, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज पोल पिच. जैसे ये टू पोल मशीन है, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या है, पोल पिच.
अब ये जो पोल पिच जो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं ये मेजर इसमें करें, दिस पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ कंडक्टर। लाइक ये एक स्लॉट हो गया, दिस इज वन स्लॉट, हम ऐसा बहुत सारा स्लॉट बना सकते हैं, लाइक दो तीन ठीक है, ऐसा स्लॉट हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक और यहां बनेगा, यहां छूट गया है, दस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बना दीजिए। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आर 10, अगर 10 स्लॉट है तो हर एक पोल के हिस्से में कितना स्लॉट आया, दो पोल में 10 स्लॉट है तो एक पोल में कितना हो जाएगा, पांच स्लॉट होगा। अगर दो पोल में आपका 10 स्लॉट है, दो पोल में अगर आपका 10 स्लॉट है तो वन पोल में 10/2 दैट इज 5 स्लॉट्स। तो अगर यही 10 स्लॉट हम इस चार पोल में बांट दें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10/4 दैट इज 2.5। तो ये जो होगा 2.5 फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 3 मान लेंगे। फिर इस हिसाब से हम लोग 4 पोल के हिसाब से स्लॉट देंगे कि ऑलवेज कुछ इंटीजर फॉर्म में नंबर मिले, कभी पॉइंट फॉर्म में नंबर नहीं मिले। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आएगा, अगर कभी गलती से ऐसा आ भी गया 2.5 मान के डेटा कुछ इस तरह सेट किया कि 2.5 आ जाए, देन हमेशा एक बढ़ा के लीजिए। ठीक है, कभी भी हम लोग 2.5 को 2 नहीं मानेंगे, देन 2.5 इज कंसिडर्ड एज अ 3, हमेशा 3 कंसिडर। तो आपका दो पोल में कितना स्लॉट मिला आपका, 5 स्लॉट पर पोल, यानी एक पोल में कितना स्लॉट आ रहा है, 5। देखिए इस पोल के हिस्से कितना स्लॉट हाथ लगेगा, तो इस 10 में से 5 स्लॉट इस पोल का और 5 स्लॉट इस पोल का, इधर से गिन लेंगे आपका, इसे गिन लेंगे 1-2 और इधर से गिनेंगे 1-2-3-4-5 ऐसे करके गिन लेंगे, बाकी बचा 5 इस पोल के हिस्से में आएगा, या अगर 12 है तो 6 इस पोल के हिस्से में, 6 इस पोल के हिस्से में आएगा, इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पोल पिच इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पोल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर नंबर ऑफ स्लॉट्स और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर। इन स्लॉट्स में बेसिकली क्या पुट कर रहे हैं, कंडक्टर, इन स्लॉट्स में कंडक्टर पुट कर रहे हैं। जैसे अगर एक टर्म लपेटे इधर से डाले इधर से निकाले तो एक स्लॉट में कितना कंडक्टर हुआ, एक कंडक्टर गया। अगर हम दूसरा टर्म भी दे दें तो एक स्लॉट में कितने कंडक्टर जाएंगे, 2। तीसरा टर्म भी हम इसी स्लॉट में दे रहे तो एक स्लॉट में कितना कंडक्टर जाएगा, 3। अगर ऐसा 10 स्लॉट हो गया तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 3 × 10 दैट इज 30। अगर 30 कंडक्टर हुआ तो इस दोनों पोल में अगर उसको बराबर बराबर बांटिएगा, 30/2 इट मीन 15 कंडक्टर इस पोल के पास, 15 कंडक्टर इस पोल के पास। तो पोल पिच किसको बोलेंगे, दिस इज द डिस्टेंस मेजर बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल्स इन टर्म्स ऑफ आइदर नंबर ऑफ स्लॉट्स और इन टर्म्स ऑफ आइदर नंबर ऑफ और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कॉइल पिच। कॉइल पिच किसको बोलते हैं, देखिए हम लोग टू पोल मशीन में इस तरह से टर्न बनाए, ए बी दो कंडक्टर। अब ये एक कंडक्टर जो है नॉर्थ पोल में था तो दूसरा कंडक्टर किसमें था, साउथ पोल में था। तो एक कंडक्टर से ये दूसरा कंडक्टर के बीच का जो स्पान है, जो फैलाव है, दिस इज एक्चुअली कॉइल पिच। इसी को हम लोग दूसरा नाम से कॉइल स्पान, स्पान मतलब फैलाव,
एक कंडक्टर से दूसरा कंडक्टर कितनी दूरी पर है, दिस इज कॉल्ड पिच इन टर्म्स ऑफ बीटा। बीटा के टर्म में इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब टू पोल मशीन है अगर आपका, तो टू पोल मशीन में जो पोल पिच होगा दैट इज इक्वल टू कॉइल पिच। और जब आपका पोल पिच कॉइल पिच के बराबर होता है तो आप देखोगे कि जो ईएमएफ कलेक्शन हो रहा है वो आपका मैक्सिमली बेहतर हो रहा है, बहुत बढ़िया से आप ईएमएफ कलेक्शन ले सकते हो। कैसे ईएमएफ कलेक्शन लेते हो, आर्मेचर में आर्मेचर रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे। तो कॉइल पिच किसको बोलते हैं, दिस इज द कॉइल स्पान बिटवीन द टू कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर वन दिस इज कंडक्टर टू, पहले पढ़े अभी हम जस्ट, दो कंडक्टर के बीच का फैलाव डिस्टेंस क्या है, दिस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ दिस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स, इसको भी नंबर ऑफ स्लॉट्स के टर्म में मेजर करते हैं, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, बीटा। ओके, तो दिस इज योर कॉइल पिच। सिमिलरली द नेक्स्ट टर्मोलॉजी इज फ्रंट पिच। फ्रंट पिच किसको बोलते हैं, फ्रंट पिच, ठीक है, इसको हम लोग जनरली वाई एफ से डिनोट करते हैं, फ्रंट पिच। तो द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड्स कनेक्टेड टू द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, to the same commutator segment is called front pitch. It's called front pitch. Which is expressed in terms of number of slots. ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड्स कनेक्टेड टू द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, सेम कम्यूटेटर सेगमेंट इज कॉल्ड फ्रंट पिच, व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स। ओके, मतलब ये डिस्टेंस होगा, ये भी क्या है लेकिन डिस्टेंस है, फ्रंट पिच भी एक डिस्टेंस है, दूरी किसके बीच में, विद टू कॉइल साइड्स। अब यहां दो कॉइल आए, उन दोनों कॉइल के साइड्स के बीच का डिस्टेंस, अब वो दोनों कॉइल जो आएगा वो सेम कंप्यूटर सेगमेंट पर कनेक्टेड होगा। जैसे एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग फ्रंट पिच देख रहे हैं तो हम लोग एक डायग्राम बना लिए, यह कम्यूटेटर सेगमेंट वन टू थ्री ऐसे चल रहा है, यहां से उठा, यह हमारा इस तरह से
सा इसको इसको ऑमिट कर देते, कोई काम नहीं करी इसका। ठीक है, और दूसरे कॉइल है जो इस तरह से उठा, दिस इज द लैप वाइंडिंग। बनाया क्या वाइंडिंग है हम लोग, लैप वाइंडिंग। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फ्रंट पिच वाइंड। अब ये जो लैप वाइंडिंग है इसमें ये एक कॉइल, जो मेरा ये जो कॉइल है दिस इज अ वन कॉइल, और ये ग्रीन कलर से दिख रहा है यहां से जो बना है दिस इज योर सेकेंड कॉइल। ओके, तो ये कॉइल मेरा वन हो गया और ये जो है ये कॉइल टू हो गया। ये वाई से जो बनाया है ये यहां से यहां तक ऐसा कॉइल वन, फिर ग्रीन से यहां शुरू हुआ है दिस इज योर कॉइल टू। अब लैप वाइंडिंग में मालूम है कि जो कॉइल का जो एंड होता है ठीक एडजेसेंट सेगमेंट पे होता है, ये सेगमेंट वन है, ये सेगमेंट टू है, ठीक इसके बगल वाले सेगमेंट पर ये वाई थोड़ा सा बनाया है, कॉइल वन एंड हो रहा है, यहीं से कॉइल टू स्टार्ट हो रहा है, ये लैप वाइंडिंग। और ये डिस्टेंस होता है फ्रंट पिच, किस चीज का डिस्टेंस होता है, दो कॉइल साइड के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस होता है जो कि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट पर कनेक्टेड होता है। तो ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट टू है इस पर ही ये कॉइल वन और कॉइल टू यहां कनेक्टेड है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज योर वाई एफ, ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर वाई एफ, फ्रंट पिच इसको कहेंगे। ठीक है, दिस इज योर फ्रंट पिच। ठीक है, अब अगर हम लोग बैक पिच को समझे, ये डायग्राम बना देते हैं क्योंकि इसमें और भी काम बाकी है। द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज बैक पिच, बैक पिच किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन को देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस, दिस इज बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड बैक पिच, called back pitch, which is expressed in terms of number of flops। तो अब अगर back pitch देखें तो यह भी distance है, लेकिन यह किसके बीच का distance है, तो between two sides ऑफ द कॉइल, या दो कॉइल नहीं एक ही कॉइल के दो साइड के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये कॉइल वन है जिसका दो साइड, एक साइड ये हो गया, एक ये कंडक्टर है, दूसरा ये डॉटेड लाइन से बना है दूसरा कंडक्टर, तो एक कॉइल जो है दो कंडक्टर से मिलकर बनता है, तो एक कंडक्टर को हम लोग आगे वाला कंडक्टर को हम लोग बोल्ड से दिखाए हैं, जो पीछे है कॉइल में उसको डॉट से दिखाए। ठीक है, तो ये इसी कॉइल वन का ये व्हाइट वाले का ये बोल्ड और ये व्हाइट वाला डॉट, इसके बीच का डिस्टेंस दिस इज योर बैक पिच, दिस इज योर बैक पिच, इसको हम लोग वाई बी बोलेंगे, बैक पिच, दिस इज योर बैक पिच। अब अगर हम लोग थर्ड टर्मिनोलॉजी है, दैट इज मतलब हा थर्ड जिसमें फ्रंट पिच हो गया, बैक पिच हो गया, ठीक है,
अब आता है एक आपका रिजल्टेंट पिच, या इसी को बोलते हैं वाइंडिंग पिच, ठीक है, इसको ओमिट कर, जिसमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज, उसका दो नाम है, या तो आप उसको जितना नंबर हो रख लीजिएगा, रिजल्टेंट पिच बोलिए, रिजल्टेंट पिच बोल रहे हैं तो वाई स्मॉल आर से दिखा देगा, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, वाइंडिंग पिच, वाइंडिंग पिच, दिस इज डिनोटेड बाय वाई डब्ल्यू, रिजल्टेंट पिच बोलिए या फिर वाइंडिंग पिच बोलिए। तो अगर इसका डिफरेंस डेफिनेशन देखे तो दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड, स्टार्टिंग एंड ऑफ द टू, ऑफ द टू कॉन्जेक्यूटिव, ऑफ द टू कॉन्जेक्यूटिव क्वाइट्स विच इज एक्सप्रेस्ड, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स और कंडक्टर, जो बोल रहे हैं स्लॉट्स और कंडक्टर, ठीक है। तो वाइंडिंग पिच किसको बोलते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस ही होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड्स, स्टार्टिंग एंड्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाला, जैसे इसके बाद ठीक इसके जहां से, इसके ठीक बाद वाला कौन सा होता है, इसके ठीक बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव, हम यहां खड़े हैं, मेरे बाद कोई पर्सन यहां खड़ा है, दैट पर्सन इज कॉन्जिक्यूटिव टू मी, तो इस कॉइल वन के कॉन्जिक्यूटिव कौन है, कॉइल टू है, इन दोनों कॉइल का स्टार्टिंग एंड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो ये यहां से स्टार्टिंग हो रहा है, ये कॉइल वन यहां से शुरू हो रहा है, और कॉइल टू भी यहां से, कॉइल वन कंप्यूटर सेगमेंट वन शुरू हो रहा है, कॉइल टू कंप्यूटर सेगमेंट टू शुरू हो रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस, तो दिस इज योर वाई डब्ल्यू, ये तुम्हारा वाई डब्ल्यू होगा, दिस इज योर वाइंडिंग पिच और रिजल्टेंट पिच, या तो वाई डब्ल्यू से दिखाइए या वाई आर से डिनोट कीजिए, ठीक है। नाउ द लास्ट टर्मिनोलॉजी इज कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच किसको बोलते हैं, देखिए दो कम्यूटेटर जो सेगमेंट होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कम्यूटेटर पिच, उसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट चाहे लास्ट है फोर्थ पिच जो भी हो, ठीक है, दैट इज कम्यूटेटर पिच, ठीक है, इसको हम लोग वाई सी से डिनोट करते हैं, वाई सबस्क्रिप्ट में सी, ठीक है। तो कम्यूटेटर पिच हम लोग किसको बोलेंगे, तो लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, बिटवीन द टू एंड्स, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कॉइल, ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड, दिस इज ऑल्सो अ डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, दो एंड्स के बीच में, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कॉइल, ठीक है, जैसे ये कॉइल वन यहां से शुरू हो रहा है, यहां शुरू हुआ और ये खत्म कहां हो रहा है, इस कंप्यूटर सेगमेंट टू पर। नाउ दिस इज योर वाई सी, ये कंप्यूटर सेगमेंट वन से शुरू हुआ और कंप्यूटर सेगमेंट टू पर एंड कर गया,
तो स्क्वायर के दो एंड है, एंड मतलब छोर, यहां पर दो एक एंड मतलब खत्म होना, एक एंड मतलब छोर, तो एंड जब बोल रहे हैं तो दो छोर, स्टार्टिंग एंड और जिसका लास्ट एंड हो रहा है, तो यहां के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज कम्यूटेटर सेगमेंट में, दैट इज कम्यूटेटर पिच वाई सी। तो हम लोग यहां पर क्या क्या टर्मिनोलॉजी देख लिए, फ्रंट पिच किसको बोलते हैं, बैक पिच किसको बोलते हैं, वाइडिंग पिच किसको बोलते हैं और कम्यूटेटर पिच किसको बोलते हैं। ये सब कुछ हम लोग किस पर देखे फिलहाल, लैप वाइंडिंग में देखे। अब अगर लैप वाइंडिंग को ध्यान से देखिए तो लैप वाइंडिंग जो है आपको, आप वन से शुरू कर रहे हो कॉइलिंग करना, ये कॉइल वन है और ये कॉइल टू है, ये वन से आप शुरू किए टू पर एंड कर दिए, अब फिर दूसरा कॉइल टू से शुरू हो रहा है और थ्री पर एंड हो रहा है, मतलब आप कनेक्शन इस डायरेक्शन में राइट साइड की ओर इस तरफ आप बढ़ा रहे। हम क्या करते हैं, ये ऐसे बढ़ते जाएगा तो होल होता है ना, ऐसे इस तरफ से पीछे घूमेगा, इधर मान लेते हैं फोर होगा, फिर फाइव, ऐसे पीछे घूम जाएगा, तो ये सी अपीयर है। सी इज द टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऑन द कम्यूटेटर, किसी कम्यूटेटर पर कुल मिलाकर कितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, दैट इज डिनोटेड बाय सी। तो हम सी से इस तरफ पढ़ रहे हैं राइट साइड, ये हमारा उस तरफ कॉइलिंग हो रहा है, जब ये राइट साइड वाइंडिंग आपका बढ़ रहा है, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो आप इसको क्या बोलिएगा, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है, ठीक है, हम इसको यहां लिख देते हैं, दिस इज योर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि हम वन से स्टार्ट किए और टू पर मेरा एंड हो रहा है, ठीक है, हम लोग चाहें तो उल्टे डायरेक्शन में भी वाइंडिंग का कनेक्शन दे सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो हम लोग, ये हमारा वन है, ये हमारा टू है, सो ऑन है, ये हमारा सी है और ये हमारा और भी इसके पीछे, तो सी माइनस वन पैकेज सी वन बोलेंगे, ठीक है, एक और पीछे आ रहा है। तो हम लोग वन से कोई वाइंडिंग करना शुरू करते हैं इस तरह से, और ये वाइंडिंग वन से शुरू हुआ और इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से गया, इस तरह से आया, अब ये पीछे की ओर डॉट दिखा रहे हैं, ये आता है। अब आप अगर इसका एंड टू पे कर दो, जैसे यहां पर किया गया टू पर, देन दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव, लेकिन टू के बजाय आप फिर पीछे करो, मतलब वन से पीछे, दैट इज सी, वन से पीछे क्या है हमारा सी। तो अगर आप यहां पर करते हो इस तरह से, हम ले आ रहे हैं आपका ठीक पीछे, यहां पर हम एंड किए सी पर, और फिर यहीं से एक कॉइल जो है आपका सेकेंड वाला वो शुरू होगा, ठीक है, फरास बनाते हैं ग्रिड से। और ये एंड इसका ठीक पीछे यानी सी माइनस वन पर यहां पर, तो देखो ये वाला आपका जो व्हाइट से बनाया है, दिस इज कॉइल वन, और जो ये ग्रीन से रहता आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, ये वाला ये है कॉइल टू, कॉइल टू, ठीक है। तो ये जो वाइंडिंग करने का आपका स्टाइल हुआ, मतलब आप वन से शुरू किए और एंड आप कम्यूटेटर सेगमेंट में जो कॉइल का एंड होता है वो ठीक एडजेसेंट वाले टू पे नहीं करते, उसके ठीक पीछे वाले पे कर दिए यानी सी पर, ठीक है। ऐसे आप सर्कल अगर बनाओगे कम्यूटेटर सेगमेंट में, ऐसे सेगमेंट्स उसका बना हुआ रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं आप यहां से शुरू कर रहे हैं, ये वन है,
आप राइट साइड में फिर टू दिए, थ्री दिए, फोर दिए, तो आप ये वन के ठीक लेफ्ट आप इधर इस साइड में आप उसको सी दोगे। एन नंबर ऑफ शॉट्स से होगा, एन नंबर ऑफ सेगमेंट से होगा, शॉट्स नहीं सेगमेंट, एन नंबर ऑफ सेगमेंट से, तो वन टू थ्री फोर एन ऐसे का, तो यहां पर सी तक आएगा, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इज सी। तो एक से ठीक पीछे सी है, इसको कैंची से काट के सीधा कर दीजिएगा तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये सी हो गया, ठीक है, इसका पीछे वाला सी माइनस वन, इसके बाद पीछे वाला सी माइनस टू ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपका स्टाइल हुआ करने का, दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, इसको हम लोग रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग बोलते हैं, इस तरह के वाइंडिंग स्टाइल। अब इस तरह के वाइंडिंग स्टाइल में अगर आपको फ्रंट पिच बोला जाए, ठीक है, तो फ्रंट पिच क्या है, जहां से यहां पर, यहां से ये कॉइल वन एंड हो रहा था, कॉइल टू जहां शुरू हो रहा था, तो इन दोनों के बीच पर टू कॉइल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या है, फ्रंट पिच, तो यहां पर भी टू कॉइल साइड, तो कॉइल वन जो है ये यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये कॉइल टू यहां खत्म हो जा रहा है, तो ये जो है आपका रेट्रोग्रेसिव में टू कॉइल साइड्स, तो इसका यहां यहां है ना ये, और फिर ये स्टार्ट, ये वाला वाइंडिंग हो गया कॉइल टू, कॉइल वन खत्म यहां हो, ये इसका टर्न खत्म हो गया, कनेक्शन भले इसको यहां भी है, लेकिन ये वाला कॉइल साइड, ठीक है, और कॉइल टू का ये फ्रंट वाला, कॉइल वन का बैक वाला, जैसे यहां पर कॉइल वन का बैक और कॉइल टू का फ्रंट लिए थे, उस तरह से कॉइल वन का बैक और कॉइल टू का फ्रंट, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका YF, this is your front pitch, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, उस तरह से होता है आपका बैक पिच। तो एक कॉइल में, एक कॉइल वन के फ्रंट और बैक के बीच का डिस्टेंस बैक पिच है, तो यहां पर भी कॉइल वन के फ्रंट और बैक के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो दिस इज योर YV। फिर आता है वाइंडिंग पिच, तो कॉइल वन जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कॉइल टू जहां से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के स्टार्टिंग एंड के बीच का डिस्टेंस वाइंडिंग पिच। तो यहां पर अगर देखिएगा तो वाइंडिंग पिच मेरा कहां है, तो ये कॉइल वन यहां पर से स्टार्ट हुआ है, इस जगह से ये कॉइल वन गया, और ये आपका कॉइल टू है, जिसके बीच का डिस्टेंस ये हो गया आपका वाई डब्ल्यू, देख गया। तो यह था आपको प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, और यह है आपको रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। अब अगर आप देखिए यहां पर, इस जगह पर, देन वाई डब्ल्यू का अगर वैल्यू को अगर आप देखिएगा, मतलब इस जगह पर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग अगर आप देखिएगा, तो वाई डी जो होगा बैक पिच, दैट इज ग्रेटर देन फ्रंट पिच। देखिए बैक पिच फ्रंट पिच से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो वाई डी इज ग्रेटर देन वाई डी। जबकि यहां पर अगर आप देखिएगा तो YB जो है वो स्मॉलर है YF से, YB इज स्मॉलर देन YF। यहां बैक पिच प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में बैक पिच इज ग्रेटर देन फ्रंट पिच, इस डायग्राम में क्लियर है, बैक पिच बड़ा है फ्रंट पिच से, जबकि रेट्रोग्रेसिव टाइप का लैप वाइंडिंग में बैक पिच इज लेस देन फ्रंट पिच निकल रहा है। अब अगर हम लोग इसका एक फॉर्मूला है यहां पर, लाइक अगर हम लोग यहां पर ये पूरे लैप वाइंडिंग के लिए ही फॉर्मूला है, तो उसको लैप वाइंडिंग का फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है, जो लिखने का याद करने का जो तरीका है, आप प्रोग्रेसिव टाइप देखकर पहले लिख लीजिए। तो लैप वाइंडिंग अगर आप इस बैक पिच को देखिएगा, दिस बैक पिच को अगर आपको निकाल, सॉरी वाइंडिंग पिच अगर आपको निकालना है ये, तो आप क्या कीजिएगा, बैक पिच में से फ्रंट पिच को घटा दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में भी काम करेगा और यही फॉर्मूला रेट्रोग्रेसिव में भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। कैसे ये फॉर्मूला कैसे याद करना, समझ आया, जब भी इस लैप वाइंडिंग के लिए वाई डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखा रहेगा, तो हम लोग हमेशा प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग देखकर फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज वाई बी, वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ। अब अगर यहां वाई बी वाई एफ से बड़ा है प्रोग्रेसिव में, तो वाई डब्ल्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो लैप वाइंडिंग में जो वाई डब्ल्यू मिलता है यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, जबकि अगर आप इसी को रेट्रोग्रेसिव में यूज कीजिएगा, तो वाई बी स्मॉलर है वाई एफ से, तो ये तब यहां पर वाई डब्ल्यू कैसा मिलेगा आपको, देन वाई डब्ल्यू इज नेगेटिव।
तब आपको वाई वैल्यू क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये आपका लैप वाइंडिंग के अंदर है, जो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कि लैप वाइंडिंग में एक चीज होता है इक्वलाइजर, इक्वलाइजर रिंग रूल, ठीक है, इक्वलाइजर रिंग इस्तेमाल करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को ठीक करने के। तो ये आपको लैप वाइंडिंग में याद करना, ये यूज किया गया। तो इस पर्टिकुलर एक पॉइंट को आप मदद कर लीजिए कि इक्वलाइजर रिंग इज यूज इन लैप टाइप ऑफ वाइंडिंग। ओके, तो ये आपका लैप टाइप का वाइंडिंग था। अब लैप टाइप का वाइंडिंग प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव के बाद और भी क्लासिफाइड होता है, दैट इज सिंप्लेक्स टाइप ऑफ लैप वाइंडिंग एंड डुप्लेक्स टाइप। दैट इज वेरी सिंपल। सिंप्लेक्स टाइप में क्या होगा कि देखिए ये कॉइल वन जो है ये वन सेगमेंट कंप्यूटर सेगमेंट वन से शुरू हुआ और टू पर एंड हो गया। अगर हम लोग टू पर एंड नहीं करते, एक सेगमेंट छोड़ दे, ठीक है, तो ये डुप्लेक्स हो जाएगा। एक सेगमेंट टू पे नहीं छोड़ते, थ्री पर हम लोग खत्म करें तो फिर ये डुप्लेक्स हो जाएगा। और अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं ठीक एडजेसेंट में एंड कर रहे हैं, ठीक बगल में, तो फिर आपका ये सिंप्लेक्स है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज सिंप्लेक्स टाइप ऑफ लैप वाइंडिंग। आप वन से स्टार्ट किए और टू पर एंड कर दिए, ठीक एडजेसेंट पर एंड कर रहे हैं तो सिंप्लेक्स। और अगर आप एडजेसेंट पे एंड नहीं करते हैं, उसके ठीक बाद वाला पे एंड कर रहे हैं, एडजेसेंट के बाद वाला पे, देन दिस इज अ डुप्लेक्स टाइप ऑफ लैप वाइंडिंग। तो ये जो हम बनाए हैं सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है और ये रेट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। अगर आप एक छोड़ के बनाते हैं तो आप बोलते हैं प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग और इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। अब जो ये लैप वाइंडिंग है, अगर आप इसको सिनेरियो को देखिएगा, ये ऐसा पलटा हुआ है, मेरे फिंगर को देखिएगा इस तरह से, ये दो वाइंडिंग है, ये एक कॉइल है, दूसरा कॉइल है। आप ऐसे बनाते हैं, ये दो कॉइल हो गया, इसको आप इस तरह से एज्यूम करके देखिए तो आपको क्या दिखेगा, दो कॉइल पैरेलली है। तो लैप वाइंडिंग में जो कॉइल होते हैं दे आर इन पैरेलल कनेक्शन लैप वाइंडिंग। अब पैरेलल कनेक्शन होने से आपको मालूम है कि पैरेलल जब भी कनेक्शन होता है तो करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इस पे करंट डिवाइड हो रहा है तो आप इसमें हाई मैग्नीट्यूड का अगर करंट भेजिएगा, हाई वैल्यू का, हाई अमाउंट का करंट भेजिएगा तो ये सारे वाइंडिंग्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको हाई करंट में इस्तेमाल कर सकते, इसलिए बोलाता है लैप वाइंडिंग इज यूज इन हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन। आप हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन में लैप वाइंडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको वेव वाइंडिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, वेव वाइंडिंग जब पढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतने रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारा चीज का डिस्कशन जो है वेव वाइंडिंग के लिए देखेंगे। सारे बेसिक्स वही रहेंगे, सिर्फ वेव वाइंडिंग हम लोग इसका सारा चीज कैसे अप्लाई हो रहा है वो देखेंगे और कंपैरिजन देखेंगे लैप और वेव वाइंडिंग में। ओके, तब तक लिए थैंक यू।